हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ इस प्रकार से जन्मदिन का पोस्टर बनाना सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक आप लोग देखते रहिए ताकि आप लोग भी इस प्रकार से जन्मदिन का पोस्टर बना सको। दोस्तों, इस पोस्टर को बनाने के लिए जो भी PNG PLP मटेरियल यूज़ हुआ है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहां जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन उसमें एक पासवर्ड लगा हुआ है जो इस वीडियो में आप लोग को 3 स्टेप में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग को PNG चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, पोस्टर बनाने के लिए पिक्चरलैब एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहां जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, पोस्टर बनाने के लिए पिक्चरलैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। एप्लीकेशन को ओपन करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे स्क्रीन पे आ जाएगा। यहाँ पे न्यू टेक्स्ट को हम लोग डिलीट कर देंगे। उसके बाद राइट साइड कॉर्नर में ऊपर की साइड पे 3 डॉट के निशान पे क्लिक करेंगे। नीचे ओपन PLP फाइल पे डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे PLP पे क्लिक करेंगे। यहाँ एरो के निशान पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी हमने फाइल को डाउनलोड करके सेव करके रखा हुआ है वहाँ से हम लोग फाइल को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हैप्पी बर्थडे पोस्टर PLP पे क्लिक करेंगे। ओपन एंड ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ओके कर देंगे। उसके बाद बैक हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा PLP फाइल ओपन हो जाएगा। अब इस PLP फाइल में हमको जो भी चेंज करना है वो चेंज करके हम लोग अपने बर्थडे का पोस्टर तैयार करेंगे। इसके लिए 3 डॉट के नीचे जो आइकॉन बना है वहाँ पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी हमको चेंज करना है उसे डिलीट करके या एडिट करके हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पे मैंने हैप्पी बर्थडे और यहाँ पे मैंने हैप्पी बर्थडे और साथ में यहाँ पे बलून का फ़ोटो PNG लगा रखा है। तो ये सब फ़ोटो PNG अगर हम लोग को पसंद नहीं है तो इसे चेंज करके हम लोग दूसरी फ़ोटो PNG यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके लिए 3 डॉट के नीचे जो आइकॉन बना है वहाँ पर क्लिक करेंगे और जहाँ भी ये फ़ोटो PNG है वहाँ पर डिलीट वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे। डिलीट वाले आइकॉन पर क्लिक करके इसे डिलीट कर सकते हैं। साथ ही दूसरी फ़ोटो PNG हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पे मैंने फ़ोटो PNG सब डिलीट कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे नई फ़ोटो PNG ऐड करने के लिए हमें प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी में चले जाएंगे और यहाँ वहाँ से नई फ़ोटो PNG हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो मैंने कुछ फ़ोटो PNG लगा रखा है। तो ये फ़ोटो PNG चेंज करके आप लोग अपने अपने दोस्तों का या अपने गांव के लोगों का फ़ोटो PNG लगा सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपनी बेटी का फ़ोटो PNG लगाया हुआ है। तो आप लोग अपने दोस्त या अपना खुद का या फिर अपने घर के किसी सदस्य का फ़ोटो PNG यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अपना ग्रुप अपना हैप्पी बर्थडे का पोस्टर तैयार कर सकते हो। इसके लिए 3 डॉट के नीचे जो आइकॉन बना है वहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इस फ़ोटो PNG को हम लोग डिलीट कर देंगे। उसके बाद प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करके फ्रॉम गैलरी में जाके नई फ़ोटो PNG हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, यहाँ पे विशेष में भी हम लोग नई फ़ोटो PNG ऐड कर सकते हैं। जो भी आदमी उसको विश कर रहा है उसका फ़ोटो PNG यहाँ पे लगा सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे जो 4 जुलाई है 4 जुलाई की जगह जो भी जन्मदिन की तारीख है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके लिए 3 डॉट के नीचे जो आइकॉन बना है वहाँ पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी 4 जुलाई लिखा हुआ है वहाँ पे पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे। पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे तारीख चेंज कर देंगे। उसी प्रकार से दोस्तों, यहाँ पे महीना भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अलीजा अंसारी लिखा हुआ है। आप लोग जिसका भी बर्थडे उसका नाम लिख सकते हो और बेस्ट विशेष में जो भी विश कर रहा है उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हो। इसके लिए 3 डॉट के नीचे जो आइकॉन बना है वहाँ पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी अलीजा अंसारी लिखा हुआ है वहाँ पे पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे। पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नाम चेंज करके ओके कर देंगे। अब दोस्तों, ये जो बर्थडे का पोस्टर है इसका बैकग्राउंड का कलर आप लोग को पसंद नहीं है तो उसे भी चेंज कर सकते हो। इसके यहाँ लास्ट में जो आइकॉन बनाया है वहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट साइड स्क्रॉल करके ह्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको प्लस माइनस करके हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है।
आप लोग को जो भी कलर पसंद है उसे आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे ओके कर देंगे। अब दोस्तों इस पोस्टर को हम लोग गैलरी में कैसे सेव करें, इसके लिए शेयर वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे, इमेज फॉर्मेट में जेपीजी या पीएनजी सिलेक्ट करेंगे, क्वालिटी डायमेंशन में अल्ट्रा सिलेक्ट करेंगे और सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों इस प्रकार से हमारा पोस्टर गैलरी में सेव हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग को किसी फेस्टिवल का या अपने शॉप का बैनर बनवाना है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा जिससे मोबाइल से ही हम लोग डाउनलोड पोस्टर बना सके। दोस्तों वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।